My dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aaj jo video class, ye class 6th subject mathematics. Aaj ka jo topic hai, like and unlike fractions. Hum jo chapter kar rahe hai fractions, ye usi ka hai, like and unlike fractions. What are like fractions first? I told you about these fractions, but now we have to learn about this like and unlike fractions. Like fractions first. Like fractions. Two are more fractions. Two are more fractions. With the same denominator, with the same denominator, called like fractions, called like fractions. For example, मैं अच्छी तरह आपको ये समझाऊंगा, आप अच्छी तरह ध्यान रखना. 2/5, 6/5, 7/5, 11/5. मैंने यहां पे चार फ्रैक्शंस लिखे. टू आर मोर फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. दीज ऑल फोर फ्रैक्शंस आर लाइक बिकॉज दे हैव सेम डिनोमिनेटर्स. इनका जो डिनोमिनेटर है, इसका भी डिनोमिनेटर, मैंने कहा कि जो बिलो द बार होता है वो डिनोमिनेटर, इसका भी डिनोमिनेटर 5, इसका भी डिनोमिनेटर 5, इसका भी डिनोमिनेटर 5, इसका भी डिनोमिनेटर 5. दीज मींस दीज ऑल फोर फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस. नाउ व्हाट द टू आर मोर फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर्स विद इक्वल डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. टू आर मोर, हम दो ही यहां पे, फॉर एग्जांपल 4/9, 7/9, दीज टू, क्योंकि एक ही को कैसे हम कहेंगे कि ये लाइक है. मैंने कहा टू आर मोर फ्रैक्शंस, टू या टू से ज्यादा, जब उनका डिनोमिनेटर सेम होगा, डिनोमिनेटर, तो तब तो फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस. फॉर एग्जांपल हियर आर टू फ्रैक्शंस, 4/9, 7/9, मींस दीज टू फ्रैक्शंस आर like fractions. These two fractions are like fractions. इसके बाद हमें unlike fractions, unlike fractions. Two are more fractions having different denominators. जिनका denominator same नहीं होगा उनको हम कहते हैं unlike fractions. उनको हम क्या कहते हैं? Two or more fractions that have not equal denominators. जिनका denominator same, equal नहीं होगा, उनको हम क्या कहते हैं? Unlike fractions. For example, 2/3, 7/4, 5/6, all have different denominators. These are unlike fractions. These are unlike fractions. अब हमें ये जो यहां पे like और unlike fraction, हमें ये कहां पे जरूरत आता है, क्यों हमें ये करना है, यही हमें देखना है. देखो, जब हमें fractions को compare करना होता है, compare means we have to find which is, अगर हमें दो ही fractions 2/3 comma 7/4, these two are unlike fractions. For example, we have to compare these two fractions. हम ये कंपेयर कैसे करेंगे? कंपेयर मींस हमें ये देखना है विच इज लेस विच इज ग्रेटर, कौन बड़ा है कौन छोटा है, वही तो कंपैरिजन. या मैंने आपको कहा कि इक्वल, इक्वल भी हम कैसे देखेंगे? दीज टू आर इक्वल फ्रैक्शंस, दीज टू आर इक्वल फ्रैक्शंस. वही मान लीजिए हमें यहां पे तीन फ्रैक्शंस है, 2/3, 7/4, 5/6,
ये फ्रैक्शंस है, ये हमें कैसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर मीन्स हमें चाहे यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर करना होगा या डिसेंडिंग, असेंडिंग या इंक्रीजिंग, असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग, डिसेंडिंग मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर, या इंक्रीजिंग ऑर्डर करना या डिसेंडिंग ऑर्डर करना, तो ये हम कैसे करेंगे, इसी लिए हमें पहले ये सीखना है लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस जब होते हैं हमें लाइक फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर जो वो सेम होता है, इनका कंपैरिजन करना बिल्कुल आसान है। व्हेन वी हैव टू कंपेयर दीज लाइक फ्रैक्शंस, दिस इज इजी। बट व्हेन वी हैव अनलाइक फ्रैक्शंस, देन वी हैव टू मेक देम फर्स्ट लाइक फ्रैक्शंस, वी हैव टू चेंज देम फर्स्ट इनटू लाइक फ्रैक्शंस। पहले मैं वही आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे फ्रैक्शंस जब हमें अनलाइक होते हैं तो हमें कैसे लाइक बनाने होते हैं, किस तरीके से क्या हमें अपनाना है, वही तो मैं पहले आपको। मान लीजिए हमें दो फ्रैक्शंस है, यहां पे 2/4, 3/8, मैंने ये दो फ्रैक्शंस उठाए, पूरा ध्यान रखना। पहले हम ये देखेंगे कि दीज टू फ्रैक्शंस आर अनलाइक फ्रैक्शंस बिकॉज बोथ हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, बोथ हैव unequal denominators, not equal. First we have to convert these two fractions into like fractions. हमें इनको like fraction करना है, मगर ये भी याद रखना इसके लिए method है। इसके लिए हम पहले ये जो denominator होते हैं LCM निकालते हैं, lowest common multiple. LCM means lowest common multiple, क्योंकि वो इससे पहले चैप्टर्स आते हैं, वो आपने सीखा होगा अच्छी तरह कैसे हम LCM निकालते हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगा वो भी। मगर एक बात भी जरूर याद रखना, क्योंकि हमेशा ये जो मैथ होता है क्लास में भी या एग्जाम में भी, हमें टाइम का भी ख्याल करना होता है। मेथड तो सारे ठीक होते हैं, मगर हमें वहां पे ये देखना है कि मैं कौन सा मेथड यहां पे यूज करूंगा ताकि मुझे टाइम बच जाएगा, मैं सारा पेपर कंप्लीट कर सकता हूं। इसी वजह से पहले डिनोमिनेटर गौर से देखने होते हैं। देखो ये जो यहां पे 4 और यहां पे 8, तो मैंने यहां पे अगर हम, क्योंकि जब मुझे इसको लाइक में चेंज करना है, किसमें, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है, दीज टू आर अनलाइक। मगर ये भी देखना है कि देखो ये जो 8 है ना, ये दिस 8 इज मल्टीपल ऑफ 4, ये हम इजी गेस कर सकते हैं, ये हम अच्छी तरह कर सकते हैं कि अगर हम 4 को 2 मल्टीपल करेंगे तो वो 8 बन जाएगा। तो ये इजी वे, दिस इज द इजी वे, हमें यहां पे एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। फिर भी जब हम 4 या 8 को एलसीएम निकालेंगे वहां से 8 ही मिलेगा, मगर ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है इस वक्त, क्योंकि हमें टाइम का भी ख्याल रखना होता है एग्जाम में। तो यहां पे ये जो 8 ये बड़ा है, तो दिस 8 इज मल्टीपल ऑफ 4, हमें डायरेक्ट यहां पे ऐसे करना है कि इस 2/4 को हम मल्टीपल 2 न्यूमरेटर को भी, तो डिनोमिनेटर में, क्योंकि मैंने ये कहा कि वो न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, तो बन गया 4/8। इसके बाद हमें अब 4/8, 3/8, नाउ दीज टू आर लाइक फ्रैक्शन बिकॉज बोथ हैव डिनोमिनेटर सेम। अब हमें यहां पे कंपेयर करना है, मैं साथ साथ कंपेयर भी सिखाऊंगा आपको। हमें यहां पे देखना है कि कौन फ्रैक्शन छोटा है कौन बड़ा है, तो तब इजी है। देखो फिर कंपेयर कैसे करना होता है, जब लाइक फ्रैक्शन होते हैं, जब लाइक फ्रैक्शन होते हैं इसका मतलब जब डिनोमिनेटर सेम होता है, फिर हमें न्यूमरेटर, सीधे न्यूमरेटर देखना है। यहां पे न्यूमरेटर 4, यहां पे 3, तो 4 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज लेस देन 4, इसका मतलब है 4/8 इज ग्रेटर देन 3/8, इसका मतलब है 4/8 यहां से 2/4 फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 3/8, इसका मतलब जो है ये 2/4 फ्रैक्शन ये बड़ा था किससे, 3/8 से। दिस इज द कंपैरिजन, बट फर्स्ट वी हैव टू चेंज अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन ताकि ये आसान बन जाता है। फिर हमें जब हमें लाइक फ्रैक्शन बन गए तो फिर हमें सीधे कंपेयर करना है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन है, जिसका न्यूमरेटर
फिर छोटा होगा, वो तो छोटा है। इसके बाद मान लीजिए मैंने यहां पे मैं थोड़ा चेंज करूं, मैं यहां पे सीधे थ्री लिखूंगा, इट इज टू बाई थ्री, थ्री बाई एट। दीज टू आर ऑल्सो अनलाइक फ्रैक्शन। फर्स्ट वी हैव कन्वर्ट, मैंने ये कहा कि मैं कैसे आपको सिखाऊंगा कि ये हमें कैसे करना है लाइक फ्रैक्शन, बिकॉज दीज आर अनलाइक फ्रैक्शन। नाउ यहां पे अगर आप एलसीएम निकालोगे तो देखो थ्री और एट, थ्री और एट, तब भी ये आसान है। मगर आप एलसीएम देखो कैसे, देखो आपने एलसीएम सीखा होगा पहले टू से, छोटे से पहले करना होता है, टू से थ्री तो नहीं, यहां फोर, फिर से टू, थ्री डाउन, टू टू आर फोर, फिर भी टू, थ्री और वन, फिर थ्री, वन वन। अब हमें यहां पे क्या निकला एलसीएम, एलसीएम इज इक्वल टू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री, तो क्या बन गया टू टू जा फोर, टू जा एट, थ्री जा ट्वेंटी फोर। इसका मतलब है इसका एलसीएम जो निकला 24, इन दो का डिनोमिनेटर जो है वो हमें 24 बन जाएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो है। इसका मतलब है टू बाई थ्री, हमें इसको यहां से थ्री है, हमें टू इंटू टू इंटू टू एट मल्टीपल करना है, हो गया एट टू आर सिक्सटीन, डिवाइड बाई एट थ्री आर 24 निकला इस फ्रैक्शन से। अब हमें इस फ्रैक्शन से क्या मिलेगा थ्री बाई एट, इसको टू इंटू टू इंटू टू हो गया एट, इसको अब थ्री करना है, थ्री इंटू थ्री, इसका मतलब है थ्री थ्री आर नाइन, एट थ्री आर 24। अब हमें क्या मिला 16 बाई 24, नाइन बाई 24। दीज टू आर वट लाइक फ्रैक्शन। नाउ We change these two fractions into like fractions. These are unlike. अब हमें compare करना है। ये तो बिल्कुल आसान है। मैंने कहा फिर numerator देखना है। जिसका numerator बड़ा है, वही fraction तो बड़ा है। इसका मतलब जो है 16 by 24 greater than 9 by 24। क्योंकि यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 9 है। इसका मतलब जो question में है 2 by 3 is greater than 3 by 8. This is the comparison. ये भी याद रखना, एक बात तो मैं जरूर यहां पे कहूंगा, इसको भी हम शॉर्ट जब डिनोमिनेटर को प्राइम होंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको को प्राइम सिखाया, टू नंबर्स आर को प्राइम व्हेन देयर इज ओनली वन एज ए कॉमन फैक्टर। इनका जो है ना, इन दो का थ्री एंड एट इज ओनली वन एज ए कॉमन फैक्टर। ये क्या है, दीज आर को प्राइम। हम यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट भी डायरेक्ट कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट एट टू आर 16 बाई 24, थ्री थ्री आर 9 बाई एट थ्री आर 24, यही दो। अगर हम यहां पे भी ये शॉर्ट मेथड करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो पहले मैंने आपको दो फ्रैक्शन, फॉर एग्जांपल वी हैव 5 बाई 8 कामा 7 बाई 10, 5 बाई 16 एंड 1 बाई 4। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी ही बुक में एक क्वेश्चन है, दीज आर फ्रैक्शन, दीज ऑल आर फ्रैक्शन, 5 बाई 8, 7 बाई 10, 5 बाई 16 एंड 1 बाई 4। फर्स्ट हमें यहां पे क्वेश्चन जो है, ट्राई दिस, इसने लिखा है खाली कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन। इनको हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैंने आपको दो, जब दो फ्रैक्शन होते हैं वो मैंने सिखाया, यहाँ पे आप ये वन टू थ्री फोर, फोर तो आ गए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हमें करने हैं, क्योंकि हमें इसका असेंडिंग ऑर्डर करना होता है, इन फ्रैक्शन का डिसेंडिंग ऑर्डर करना होता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर करना होता है। तो इसी वजह से हमें इन 4, 2, 3, 5 का सीखना है कि कैसे हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। यहां पे इसका पहले का डिनोमिनेटर जो है 8,
दूसरे का 10, तीसरे का 16, चौथे का 4। इन ये जो चार है इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। वो जो इन चार का एलसीएम निकलेगा वही हमें सबसे छोटा इनका डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा, सेम। तो ताकि ये कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, लाइक फ्रैक्शंस में। देखो एलसीएम निकालेंगे, 2 4 are 8, 2 5 are 10, 2 8 are 16, 2 2 are 4। मैंने आपने ये सीखा होगा एलसीएम। इसके बाद 2 2 are 4, 5 को नहीं हो जाएगा तो नीचे 2 4 are 8, 2 1 are, फिर भी 2 से इसको और इसको 2 1 are, 5 तो नीचे इसको नहीं हो जाएगा 2 से, 2 2 are, तो 1 तो नीचे सीधे। इसके बाद फिर भी 2 से 1, 5 तो नीचे, 2 1 are 1, इसके बाद 5, 1 1 1 1। एलसीएम क्या निकला हमें, 2 into 2 कितने, 4, 5 तो 1। इसका हमें प्रोडक्ट निकालना है, 2 into 2 हो गया 4, 2 into 2 हो गया 4, 4 4 are 16, 16 into 5 कितना हो गया, ऐसे रफ करना है, 5 6 are 30, 5 1 are 5 हो गए 8, 3 तो कैरी आ गया 80। अब हमें यहां पे जो 80 एलसीएम मिला, यहां से जब मैंने इनका एलसीएम निकाला 8 10 16 4, वो मिला हमें 80। इसका मतलब है जो लोवेस्ट कॉमन यहां पे निकला, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 80, वही इनका सबसे छोटा डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा, सेम। तो ये फिर कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, लाइक फ्रैक्शन में। तो अब हमें कैसे ये लाइक करेंगे, देखो आराम से उठाना 5 by 8। देखो अब हमें ये देखना है कि क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना है, इसका मतलब जो हमें पहले एक्सरसाइज आपने किया है यहां पे, ये जो फ्रैक्शंस है ना, इन सब का हमें डिनोमिनेटर 80 में चेंज करना है, 80। देखो यहां पे डिनोमिनेटर 8 है, अब हमें ये देखना है कि हम 8 को क्या मल्टीपल करेंगे तो वो 80 बन जाएगा। ये सीधे आपको कुछ परेशानी नहीं है, हम क्या अब मल्टीपल करेंगे, टेबल पढ़ना है, नहीं, सीधे करना। देखो 8 है ना यहां पे, 2 into 2 into 2 यहां तक हो गया 8, 2 into 2 4 into 2 8, फिर रह गया 5 2 are 10, इसका मतलब इसको 10 करना है ऊपर भी नीचे भी, बन गया 5 10 are 50, 8 10 are 80, बन गया 50 by 80 इसका। इसके बाद 7 by 10, 7 by 10, देखो ये भी परेशानी नहीं है क्योंकि 80 डिनोमिनेटर बनाना है यहां पे 10, तो 5 2 into 5 हो गया 10, फिर क्या बच गया, 2 into 2 into 2 हो गया 8, इसका मतलब इसको भी 8 करना है, इसको भी 8 करना है, 8 7 8 are 56 by 8 10 are 80, हो गया इसका भी डिनोमिनेटर 80, इसका न्यूमरेटर बन गया यहां पे 56, यहां पे 50। अब इसके बाद 5 by 16, देखो यहां पे सीधे जाओ, 2 into 2 हो गया 4 into 2 हो गया 8 into 2 हो गया 16, आ गया इनका 16, तो फिर खाली क्या बच गया 5, इसका मतलब है हमें 5 इसको मल्टीपल करना है ऊपर भी नीचे भी, हो गया 5 5 are 25, 16 into 5 हो गया, क्योंकि मैंने अभी वो किया वो 80, वो तो आएगा 80, निकला इसका भी 80 डिनोमिनेटर। इसके बाद 1 by 4, अब हमें इस ये देखना है कि 4 को क्या मल्टीपल करेंगे वो 80 बन जाएगा। देखो ये 2 into 2 हो गया 4, छोड़िए इनका, अब कौन कौन बच गया, 2 into 2 into 5 हो गया 2 into 2, 4 into 5 हो गया 20, अब हमें इसको 20, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, तो क्या बन गया 20 by 80। यहां पे जो मैंने निकाले इन सब का डिनोमिनेटर आ गया सेम 80, इसका मतलब जो है 50 by 80, 56 by 80, 25 by 80, 20 by 80, these are all like fractions।
क्योंकि इनका डिनोमिनेटर जो है सबका सेम है 80, इसका भी 80, इसका भी 80, इसका भी इसका। तो मैंने यहां पे ये जो लाइक ये जो अनलाइक फ्रैक्शंस थे गिवन 5/8, 7/10, 5/16, 1/4, ये सब मैंने कन्वर्ट किए किसमें, लाइक फ्रैक्शंस में, इनका डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब हमें कंपेयर करना बिल्कुल आसान है। मैंने ही अभी कहा कि आपको सिर्फ जब मैंने डिनोमिनेटर सेम किए, जब मैंने लाइक फ्रैक्शंस में ये चेंज कन्वर्ट किए हैं, तो अब हमें आसान ये क्या कंपेयर करने में। मैंने कहा जिसका न्यूमरेटर, फिर अब हमें कंपेयर करना है न्यूमरेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर सब हो गए ना सेम, डिनोमिनेटर का हमें कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर पे जाना है। न्यूमरेटर यहाँ पे 50, यहाँ पे 56, यहाँ पे 25, यहाँ पे 20। अब हमें ये देखना है कि कौन सबसे छोटा है। 20 इसमें छोटा है, इसका मतलब 28 इज लेस देन ऑल दीज थ्री फ्रैक्शंस। इसका मतलब ये 28 1/4 सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा कौन है इसमें, 56/80 हमें देखना है कि ये 7/10, ये सबसे बड़ा है। अब हम खुद आसानी से ये असेंडिंग ऑर्डर में भी, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी, क्योंकि जब हम असेंडिंग ऑर्डर करते हैं तो सबसे छोटा पहले, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, तो अगर डिक्रीजिंग करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो पहले सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, और फिर सबसे छोटा 20। यही तो ऐसी आपको सीखना है। ये हमें लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस, पहले लाइक फ्रैक्शन आपको हमें मालूम होना चाहिए पूरा क्या हो गए अनलाइक, फिर हमें ये आना चाहिए कि अनलाइक को हम कैसे लाइक में चेंज करेंगे, ताकि हमें पूरा अच्छी तरह इनका कंपैरिजन आएगा, हम कैसे कंपेयर कर सके। और एक बात भी यहां पे है, ये याद रखना, देखो ये तो लाइक फ्रैक्शन है 2/5, 6/5, 7/5, 11/5। मैंने कहा कि ये कंपेयर करना बिल्कुल आसान है, इनका हमें सीधे न्यूमरेटर देखना है। जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो सबसे छोटा है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो सबसे बड़ा है। यही तो मैंने कहा न्यूमरेटर। अब हमें कहीं पे ऐसे भी होते हैं जिनका न्यूमरेटर सेम होता है, यहां पे हमें क्या डिनोमिनेटर सेम लाइक फ्रैक्शंस, मगर अब हमें कहीं पे ऐसे फ्रैक्शंस भी होते हैं, फॉर एग्जांपल 3/8, 3/11, 3/16, 3/2। देखो यहां पे हमें डिनोमिनेटर सेम था, दीज आर लाइक फ्रैक्शंस, मगर अब हमें ये जो थ्री न्यूमरेटर है इनको हम लाइक नहीं कहते, क्योंकि हमें लाइक फ्रैक्शंस हम उसको कहते हैं कि जिनका डिनोमिनेटर सेम होते हैं, मगर इनका हमें ये इसके मुताबिक अनलाइक फ्रैक्शंस है, हमें इनका डिनोमिनेटर सेम करना है पहले तो लाइक में चेंज करना है, मगर ये भी याद रखना है इनको हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका न्यूमरेटर जब सेम होता है तो इसका भी इजी वे टू कंपेयर आसान तरीका है। क्या आसान तरीका, देखो यहां पे ये देखना है कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा, दैट मींस इसका डिनोमिनेटर जो है 2 वो छोटा है, मगर वी हैव टू कंसिडर दिस फ्रैक्शन बिगर फ्रैक्शन, ये बड़ा है, 3/2 इज ग्रेटर फ्रैक्शन। अगर जब यहां पे देखो ये जो 3/16, 3/16 ये इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, मगर ये हमें कंसिडर करना है इट इज स्मॉलर फ्रैक्शन, ये छोटा फ्रैक्शन। देखो ये आसान है, यहां पे भी ये देखो मैंने कहा कि ये 2 सबसे छोटा है न्यूमरेटर, यहां क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर सेम है तो ये सबसे छोटा फ्रैक्शन है, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है, दीज आर लाइक फ्रैक्शंस।
یہِ تارٕ بہٕ کٲشِر پٲٹھۍ فِکرِ. یِم گٔے فار ایٚگزامپٕل اَسہِ چھِ زٕ چپاتی زٕ ژۄچہِ, یِم بٲگراوو أسۍ پانٛژن منٛز, مگر ییٚتٮ۪ن بٲگراوو کاہ ژۄچہِ پانٛژن منٛز, گوٚو ییٚتٮ۪ن چھِ کاہ ژۄچہِ بٲگراونہِ پانٛژن, ییٚتٮ۪ن چھِ زٕے ژۄچہِ بٲگراونہِ, گوٚو ییٚمہِ منٛز یی اَسہِ لۄکُٹ حِصہٕ, ییٚمہِ منٛز یی بوٚڑ حِصہٕ. تَمیُک مطلب گوٚو اِس کا مطلب ہے یہِ چھوٹا فریکشن یہِ بڑا فریکشن. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ہم نے 11 روٹیز جو گھیرا ہمیں چپاتی تھے کیونکہ وہ ہم نے 5 میں ڈسٹریبیوٹ کیے, یا ہمیں 11 ٹافیز تھے وہ ہم نے 5 میں ڈسٹریبیوٹ کیے, اس میں تو کم از کم 2 آئیں گے, 2 اور فریکشن. یہاں پہ خالی 2 ٹافیز ہیں, ہمیں وہ 5 ڈیوائڈ میں کرنا ہے, اس میں لیس دین 1 آئے گا کیونکہ یہ پراپر فریکشن ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی یہ دیکھنا ہے, یہ میں نے یہاں پہ یہ کہا کہ جس کا نیومریٹر جس کا ڈینامینیٹر چھوٹا ہوگا وہ بڑا فریکشن ہوگا, کیونکہ یہاں پہ نیومریٹر سیم ہے, نیومریٹر یہ دیکھو. تو پھر کیا, جس کا ڈینامینیٹر چھوٹا ہوگا وہ بڑا فریکشن ہے, جس کا ڈینامینیٹر بڑا ہوگا وہ چھوٹا فریکشن. یہاں پہ بھی ایسی دیکھو, یہاں ہمیں 3 روٹیاں, تو میں نے یہ 2 میں ہی ڈیوائڈ کیے, 2 میں ہی 3, تو یہ آسانی سے اس کا بڑا حصہ آئے گا. اس سے کیونکہ یہاں پہ بھی 3 ہی روٹی, تو مگر 16 پرسنز میں نے ڈیوائڈ کیا, یتن کور میں دونوں منز ڈیوائڈ, گو یتن ہی زیادہ, یتن کور میں کچن منز 16 پرسنن منز ڈیوائڈ, گو اتن ہی کمی کمی. اسی وجہ سے یہاں پہ یہ فریکشن بڑا ہے. اس سے اسی وجہ سے میں نے کہا جب نیومریٹرز سیم ہوں گے, نیومریٹرز تب تو ہم آسانی سے کمپیئر کر سکتے ہیں, جس کا نیومریٹر چھوٹا ہوگا وہ فریکشن بڑا ہوگا, جس کا جس کا ڈینامینیٹر, کیونکہ ڈینامینیٹر 2 ہے, نیومریٹرز آر سیم, جس کا ڈینامینیٹر چھوٹا ہوگا وہ بڑا ہوگا, کیونکہ یہاں پہ بھی 16 ڈینامینیٹر بڑا ہے, یہ سب سے چھوٹا فریکشن. کیونکہ دیکھو یہاں پہ 2, یہاں پہ 8, یہ جو فریکشن ہے یہ 11 ہے, یہ 16 ہے, یہ سب سے بڑا فریکشن ہے. اس کے بعد یہ آئے گا, اس کے بعد 3/11, لاسٹ میں 3/16, یہ سب سے چھوٹا ہے کیونکہ اس کا ڈینامینیٹر جو وہ بڑا ہے, یہ یاد رکھنا. کل تو انشاءاللہ ہم اس کے بعد کمپیئر کوسچنز کریں گے, پھر آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. تھینکس.